कितने ही पुराने कितने ही बड़े ओपन पोर्स हों, बस ये दो स्टेप फॉलो कर लो, आपकी ओपन पोर्स की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन हमेशा जवां और चिकनी बनी रहे तो इन ओपन पोर्स की समस्या को जड़ से ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओपन पोर्स के कारण हमारी स्किन लूज़ और लटकी हुई हो जाती है, जिसके कारण हम अपनी उम्र से 5 या 10 साल बड़े लगने लग जाते हैं। इसलिए ओपन पोर्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये फेस पैक आपके ओपन पोर्स को तो मिनिमाइज करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन को हटाएगा, सनबर्न को ठीक करेगा, अगर स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं तो उनको ठीक करके आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाएगा। ये लूज स्किन और सैगी स्किन को ठीक करके आपको जवां बनाएगा। हाय एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर बाय सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे। गर्मी और बरसात के मौसम में ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो हमारे चेहरे के ऊपर पोर्स होते ही हैं जिससे हमारी स्किन सांस लेती है। ये जो ओपन पोर्स है ना, ये स्किन की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप ही खुल जाते हैं और अपने आप ही ये बंद हो जाते हैं। इस काम को करने के लिए स्किन में एक विशेष तरह का लचीलापन होता है। कई बार पॉल्यूशन की वजह से, कई बार किसी कॉस्मेटिक्स की वजह से स्किन अपने इस लचीलेपन के गुण को खो देती है। फिर होता ये है कि पोर्स खुल तो जाते हैं लेकिन बंद नहीं हो पाते। जब ये पोर्स लंबे समय तक हमारी स्किन के ऊपर खुले रहते हैं ना, तो स्किन के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं। एक तो ये हमारी सुंदरता को कम करते हैं, दूसरा ये हमारी स्किन के ऊपर पिंपल्स पैदा करते हैं। इसलिए इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसका समय पर इलाज नहीं करेंगे ना, तो ये हमारे स्किन को सैगी और लटका हुआ दिखाएगा, जिससे हमारे चेहरे के ऊपर ना बुढ़ापा बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए ये ओपन पोर्स को हमने होने नहीं देना। आज हम एक ऐसा फेस पैक लेके आए हैं जो ओपन पोर्स की इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल का बटन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप उस वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटर का पल्प। इस टमाटर के पल्प में ना इसका रस भी है। टमाटर डेड स्किन हटाता है, सनबर्न ठीक करता है, टमाटर स्किन के दाग धब्बे ठीक करके स्किन को फ्लॉलेस बनाता है। अब लेंगे नींबू। नींबू ऑयली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। ये जो हमारी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, उसको निकाल देता है और ये जो ओपन पोर्स हो जाते हैं ना, इनको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। ये स्किन टोन को भी ठीक करता है। अब लेंगे हनी। हनी नेचुरल एंटीसेप्टिक है, ये स्किन को मॉइस्चराइज करके हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। अब लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ओपन पोर्स की समस्या ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को होती है। इस पैक का इस्तेमाल करने से ऑयली स्किन वालों को बहुत राहत मिलती है। मुल्तानी मिट्टी डेड स्किन को निकालती है, ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे एक साइड पर। अब अपना फेस पैक लगाने की तैयारी करते हैं। इस फेस पैक को लगाने से पहले ना, हम अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। सभी को पता है कि कोई भी पैक लगाओ, उससे पहले अपने फेस को क्लीन जरूर करना है, क्योंकि धूल मिट्टी हो सकती है, मेकअप हो सकता है, कुछ भी डस्ट हो सकती है हमारे चेहरे के ऊपर। इसलिए अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। फेस को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कच्चा दूध, नींबू के रस की कुछ बूंदे और एक चम्मच टमाटर का पल्प। इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब इससे हमने अपने चेहरे के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मसाज करनी है, 2 मिनट मसाज करनी है। कच्चा दूध, नींबू का रस और टमाटर का पल्प, जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती है ना, तो ये बहुत अच्छा क्लींजर बनकर तैयार हो जाता है। ये क्लींजर हमारी स्किन को डीपली क्लीन करेगा। 2 मिनट मसाज करने के बाद ना, सादे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना चेहरा धो के आ गई हूँ। अब मैं इसके ऊपर अपना फेस पैक लगाऊंगी। फेस पैक को ना मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हो। इस फेस पैक को ऊपर की तरफ लगाना है, ऊपर की डायरेक्शन में लगाना है, आंखों का एरिया छोड़ देना है। अब इसको 15 मिनट लगा छोड़ देंगे। 15 मिनट हो जाने के बाद मैं अपने चेहरे को धो लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना चेहरा धोकर आ गई हूँ। अब हम करेंगे अपना दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है हमारा आइसिंग। इस फेस पैक को लगाने के बाद जब हम आइसिंग करेंगे ना, तब आपके जो ओपन पोर्स हैं ना, वो बहुत जल्दी मिनिमाइज हो जाएंगे। इसलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने ग्रीन टी की आइस ली है, क्योंकि मेरे पास इस समय यही आइस थी।
आपके पास उस समय जो भी आइस हो आप वो वाली आइस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो गुलाब जल की हो, चाहे वो खीरे की हो या कोई और हो, कोई भी आइस हो, लेकिन आइस होनी चाहिए। आइसिंग जरूर करें। इस आइस से अपने चेहरे के ऊपर 2 मिनट मसाज करनी है। 2 मिनट मसाज करने के बाद अपने चेहरे को मॉइस्चराइज जरूर करें। हमने ये जो आइसिंग की है हमने इसी के ऊपर अपना मॉइस्चराइजर लगाना है, इसको वॉश नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है। कोई भी मॉइस्चराइजर लगाओ, मैं यहाँ पे विटामिन ई ले रही हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हो। चाहे आप अपना कोई मनपसंद मार्केट वाला मॉइस्चराइजर लगा लो, या आप एलोवेरा जेल लगा लो, नारियल का तेल भी लगा सकते हो, जो आपकी स्किन को सूट करता है ना आप वो लगाएं। आप एक बार इस फेस पैक को लगा के देखें, आप कुछ दिन वॉच करें अपने चेहरे को, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके जो ओपन पोर्स है ना ये मिनिमाइज हो रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप ज़रूर इस फेस पैक को लगाएं और इसके बेनिफिट उठाएं। आप अपने रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको इसके कैसे रिज़ल्ट मिले। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।